Welcome back, students. So now the next topic, that is the Klinefelter syndrome. The next chromosomal disorder is Klinefelter syndrome. So this disorder is also caused by presence of an extra copy of chromosome, and that extra copy of X. ये X की एक extra copy की वजह से होता है. तो यहाँ पे जो genotype बनती है इसकी, वो genotype होती है 44 plus X, XY. ये इसकी जीनोटाइप होती है. मींस यहाँ पे जो टोटल क्रोमोसोम है वो 46 की बजाय 47 होते हैं. जो क्रोमोसोम यहाँ पे इंक्रीज होता है वो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, उसकी वजह से डिसऑर्डर होता है ड्यू टू एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम. अब एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की वजह से डिसऑर्डर होता है तो सेम वही कंडीशन हो सकती है. मींस अगर हम ये देखें कि आता कैसे है, तो हो सकता है एग नॉर्मल हो, नॉर्मल एग एंड अब नॉर्मल स्पर्म. मींस जो एग है उसके अंदर 22 प्लस एक्स प्रेजेंट हो और जो स्पर्म है उसके अंदर 22 प्लस एक्स वाई, ये वाली कंडीशन प्रेजेंट हो. और जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो उस केस में 44 प्लस एक्स इंटू वाई, ये वाली जीनोटाइप आ सकती है. ऐसा भी हो सकता है कि जो एग है वो अब नॉर्मल हो जाए और जो स्पर्म है वो नॉर्मल हो, नॉर्मल स्पर्म. तो अब नॉर्मल एग की बात अगर हम करते हैं तो यहां पे डबल कॉपी एक्स की दोनों कॉपी एक ही एग में आ जाएगी. मीन जब मियोसिस होगा तो पोलर बॉडी में कोई एक्स नहीं जाएगा, दोनों एक्स एग के अंदर ही आ जाते हैं. तो यहाँ पे एक्सेप्शनली एक एक्स एक्स्ट्रा हो गया है, जबकि जो स्पर्म है वो बिल्कुल नॉर्मल है 22 प्लस वाई. यहाँ पे सिर्फ हम एक स्पर्म की बात करें क्योंकि यहाँ की जीनोटाइप वाई होनी चाहिए, तो हम वाई वाले स्पर्म को यहाँ पे लेते हैं. यहाँ पे जब इनका फ्यूजन होता है तो सेम वही कंडीशन अराइज हो सकती है. तो इस केस में अगर देखा जाए तो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की वजह से डिसऑर्डर अराइज होता है, जिसकी वजह से हम इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं. क्यों अराइज हुआ? क्योंकि जो एग है या जो स्पर्म है उसके अंदर जो डिसजंक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, यानी कि ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम ठीक से सेपरेट नहीं हो पाते, उसकी वजह से डिसऑर्डर अराइज होते हैं. अब जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इससे जो इंडिविजुअल ऑब्टेंड होता है वो मेल होता है और स्ट्राइल होता है. स्ट्राइल मेल, स्ट्राइल का मतलब होता है दैट इज नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, यानी कि जो आगे बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, जो फर्टाइल नहीं होता है उसको हम स्ट्राइल बोलते हैं. तो यहाँ पे जो मेल ये आता है वो स्ट्राइल मेल होता है, दैट इज नॉट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है. अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स, क्योंकि स्ट्राइल मेल है इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो टेस्टिस है वो अंडर डेवलप्ड होती है, अंडर डेवलप्ड टेस्टिस अंडर डेवलप्ड होती है. सेकेंड, लॉन्ग लेग्स, लेग्स हैं वो काफी लंबे होते हैं इस केस में. थर्ड, मस्कुलाइन डेवलपमेंट, मस्कुलर डेवलपमेंट यहां पे होता है क्योंकि वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है. स्पार्स बॉडी हेयर लाइक फीमेल, स्पार्स बॉडी हेयर मीन्स काफी जो ये कह सकते हैं गहरे बाल इनमें नहीं होते हैं, काफी स्पार्स होते हैं बॉडी के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो स्पार्स बॉडी हेयर
यहां पे प्रेजेंट होते हैं फीमेल की तरह, फीमेल की तरह और भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे जो फीमेल होती है उसके अंदर हाई पिच वॉइस होती है, तो यहां पे भी हाई पिच वॉइस प्रेजेंट होती है, काफी पतली आवाज होती है। इसके अलावा और भी फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट जिसको गायनिकोमेस्ट्रिया भी बोलते हैं, गायनिकोमेस्ट्रिया। तो ये जो फीचर्स हैं, ये फीचर्स फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे पर्सन के अंदर मेंटल डेवलपमेंट की भी प्रॉब्लम होती है, तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। एक तो इनके अंदर मस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है, स्ट्राइल होते हैं और फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं। तो अंडर डेवलप्ड टेस्टिस होती है, यानी कि टेस्टिस जो स्पर्म्स बनाने का काम करते हैं अच्छे से डेवलप नहीं होती है। लेग्स काफी लॉन्ग होते हैं जो नॉर्मल पर्सन के कंपेरिजन में। मस्कुलाइन डेवलपमेंट, मसल्स का डेवलपमेंट ठीक होता है। स्पार्स बॉडी हेयर लाइक फीमेल, बॉडी हेयर जो होते हैं उनका स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हाई पिच वॉइस, वॉइस फीमेल की तरह काफी पतली होती है। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, जो ब्रेस्ट है वो काफी बड़े साइज में डेवलप होती है यहाँ पे, जिसको गायनेकोमेस्ट्रिया बोलते हैं, फीमेल की तरह ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। तो ये फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो होते ये मेल है लेकिन इनके अंदर फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, स्टाइल मेल होते हैं, इसका मतलब ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, यानी कि एक्स क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी होने की वजह से ये डिजीज होता है। अगर एक्स की कॉपी और ज्यादा हो जाती है, यानी कि डिसऑर्डर और ज्यादा हो जाएगा, जितने एक्स की कॉपी बढ़ती चली जाएगी डिसऑर्डर उतने ही ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। नाउ द लास्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दैट इज द टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ वन कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक एक्स क्रोमोसोम की एक कॉपी कम होने की वजह से डिजीज होता है। यहां पे जो जीनोटाइप है वो होती है 44 प्लस एक्स जीरो, यानी कि यहां पे एक एक्स जो क्रोमोसोम है वो कम होता है, तो टोटल 46 की बजाय 45 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब एक एक्स क्रोमोसोम की कॉपी कम होने का मतलब यहां पे ये जनरली फीमेल होती है, क्योंकि जो मेल होता है उसमें अगर मेल अराइज होता 44 प्लस वाई जीरो तो वो वायबल नहीं होते, उनकी अर्ली स्टेज में या बिफोर डिलीवरी ही डेथ हो जाती है। तो सिर्फ फीमेल ही इस तरह की पॉसिबल होती है, इसलिए यहां पे मैंने लिखा है इट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ वन कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम की, इनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम की कॉपी कम होती है। मैंने वाई क्रोमोसोम की कॉपी नहीं लिखा है क्योंकि ये फीमेल होती है स्ट्राइल, तो ये इनकी जीरो टाइप है। सेम कंडीशन क्यों अराइज होती है, तो यहां पे भी वही रीजन आता है, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, यानी कि जब गैमेट बनते हैं तो उसमें क्रोमोसोम जो क्रोमेटिड्स हैं वो ठीक से सेपरेट नहीं हो पाते हैं, उसकी वजह से ये होता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो एग है वो नॉर्मल एग हो और जो स्पर्म है वो अब नॉर्मल हो, मींस जो एग है उसके अंदर 22 प्लस एक्स बिल्कुल नॉर्मल एग प्रेजेंट है, लेकिन जो स्पर्म है उसके अंदर 22 प्लस एक्स या वाई होना चाहिए लेकिन कुछ नहीं होता, जीरो होता है। तो कंडीशन यहां पे एक्स जीरो वाली आ जाती है, ये कंडीशन अराइज हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि एग ही अब नॉर्मल हो जाए, जो ज्यादातर केसेस में देखने को मिलता है, अगर एज फीमेल की ज्यादा है, अब नॉर्मल एग एंड नॉर्मल स्पर्म 22 प्लस जीरो 22 प्लस एक्स। तो जैसे मैंने लास्ट केस में बताया था कि जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है
जैसे 35 तक एज चली जाती है तो इन डिसऑर्डर के अराइज होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो जितनी एज बढ़ती जाएगी जो फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस कर रही है उतने ही नॉन डिस्जंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, उतनी ही मियोसिस में एरर ज्यादा हो सकती है, इस वजह से डिसऑर्डर भी काफी ज्यादा अराइज होते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सबसे पहले तो ये कि ये जो जीनोटाइप है ये रिप्रेजेंट करती है स्ट्राइल फीमेल को। स्ट्राइल फीमेल होती है मींस ये जो रिप्रोड्यूस है वो नहीं कर सकती है। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स पहले तो हम इसको स्ट्राइल फीमेल ही लिख सकते हैं, स्ट्राइल फीमेल। अब स्ट्राइल फीमेल है तो जो ओवरीज है वो रूडिमेंट्री होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं, फंक्शनल नहीं होती, रूडिमेंट्री ओवरीज, रूडिमेंट्री ओवरीज होती है। अंडर डेवलप्ड यूट्रस होता है जहां पे बेबी का डेवलपमेंट होता है, अंडर डेवलप्ड यूट्रस, बहुत छोटा सा यूट्रस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन यहां पे भी होती है, या ये कह सकते हैं मेंटल डिस्टर्बेंस आप बोल सकते हैं। वेट नेक, वेट नेक मतलब जैसे जो नेक है उसकी जो स्किन होती है काफी लूज होती है, तो वेट टाइप की जो नेक इनके केस में प्रेजेंट होती है। जो बॉडी का स्ट्रक्चर वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर काफी शॉर्ट होता है। इसके अलावा स्टबी फिंगर्स, इनके केस में भी जो फिंगर्स है वो काफी स्टबी होती है। तो ये कुछ एक तरीके से सिम्टम्स होते हैं जो पर्टिकुलर टर्नर सिंड्रोम के अंदर अराइज होते हैं। स्ट्राइल फीमेल होते हैं इसलिए इनके रूडिमेंट्री ओवरीज है, अंडर डेवलप्ड यूट्रस होता है, मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकती है, वेब नेक प्रेजेंट होती है, शॉर्ट बॉडी स्ट्रेचर प्रेजेंट होता है, स्टबी फिंगर्स होती है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो नॉर्मल नहीं हो पाता, अब नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट। सो दीज आर द वेरियस सिम्टम्स ऑफ द टर्नर सिंड्रोम। यहां तक जो ये चैप्टर है उसमें तीन डिसऑर्डर थे जो क्रोमोसोम से रिलेट करते हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। ये सारे डिसऑर्डर हम अब पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इसी चैप्टर में से, इसी चैप्टर के अंदर से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें कुछ मिसलेनियस टर्म, ये उन लोगों के लिए होगा जो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो वो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर जैसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री जीन्स क्या होता है, एपिस्टेसिस या हाइपोस्टेसिस कंडीशन क्या होती है, बैक क्रॉस क्या होता है, इस तरह के की कुछ जो टॉपिक है, एडिशनल टॉपिक है, उसके रिगार्ड में मैं ये जो नेक्स्ट लेक्चर है वो डिजाइन करूंगा। तो यहाँ पे आके आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, काफी अच्छे मार्क्स ये जो चैप्टर वो कैरी करता है। और इसमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जैसे क्रॉस के रिगार्डेड जनरली पूछी जाती है, चाहे वो डायहाइब्रिड क्रॉस हो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, या फिर जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलिनिज्म से रिलेटेड हो, या कोडोमिनेंस हो, तो वो सभी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू।